एवरीवन, वैकेंसी का यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 16 अप्रैल 2023 को। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। केमिस्ट्री में टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है 3 पोस्ट, ओबीसी में है 1 पोस्ट। कॉमर्स में टोटल 18 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है 7 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट। इंग्लिश में टोटल 8 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, ओबीसी में 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। हिंदी में टोटल 7 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। हिस्ट्री में टोटल 8 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्ट, एसटी में और एससी में कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में टोटल 8 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है 5 पोस्ट, एसटी कैटेगरी में है 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में है 1 पोस्ट। फिजिक्स में टोटल 12 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट, एससी में 3 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 10 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है 4 पोस्ट, एससी में 1 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट। संस्कृत में टोटल 6 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 4 पोस्ट और ओबीसी कैटेगरी में 2 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी में। ईवीएस में टोटल 2 पोस्ट है, एक एससी कैटेगरी में, एक एसटी कैटेगरी में, तो टोटल 88 पोस्ट है इसमें। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन लगेगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स। जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है उसमें 55% मार्क्स है और नेट क्वालिफाइड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा 500 रुपीज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2023। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, इसमें पूरा डिटेल में बता दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस।